Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. Mr. Lester R. Brown, जो हैं, उनकी जो विचारशील बुक थी Global Economic Prospects, उसमें उन्होंने बताया कि अर्थ के जो हैं चार मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स, और इन सबको मिलाकर ही जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी फाउंडेशन बनती है. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. ये एक तरह से हमारे को खाना तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये जो चारों सिस्टम हैं, ये हमें जो भी हमारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें भी काफी हद तक इनका योगदान है, अगर मिनरल्स और पेट्रोलियम डिराइव्ड जो सिंथेटिक्स हैं उनको छोड़ दें. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इंपेयर्ड. दुनिया के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उसमें अब ह्यूमंस जो हैं इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं, यानी ये जो हमारे मेन चार सिस्टम्स बोले गए हैं, अब ये एक ऐसे अनमैनेजेबल लेवल पे आ गए हैं, एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां इनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो अब गड़बड़ा रही है, वो भी अब जो है डैमेज हो रही है, कमजोर पड़ रही है. When this happens, fishery collapse, forest disappears, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो फिशरीज हैं, यानी ये जो पानी के जो फिश का आप यूज करते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, जंगल सारे गायब हो जाएंगे, जितने भी हरे हरे ग्रासलैंड्स हैं ये सब बिल्कुल बंजर जमीन में बदल जाएंगे, और जो क्रॉपलैंड्स हैं, यानी जो खेती है, वो सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. आजकल की जो हमारी दुनिया है जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो है प्रोटीन कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिशिंग जो है वो बहुत ज्यादा ओवर तरीके से करी जा रही है. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. जो गरीब countries हैं, उसमें जो वहाँ के local जंगल हैं, अब उनकी संख्या भी जो है दिन पर दिन कम होती जा रही है, क्योंकि वो लोग जो है लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं cooking के लिए या और चीजों के लिए. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जगहों पर फायरवुड जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि अगर हमें हांडी में खाना पकाना है तो हांडी जिस चीज पर रख के पका रहे हो वो कहीं ज्यादा महंगी है बजाय हांडी में जो खाना पक रहा है उससे. सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जैसा कि डॉक्टर मायर्स का कहना है कि उन्नति के एक तरह से ये पावर हाउस माने जा सकते हैं उन्नति के लिए, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो इसी वजह से, क्योंकि अब जंगल जो है दिन पर दिन खराब किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पे खड़ी हो गई है. इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो. इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमंस हैं उनके इस प्लैनेट पे आने से पहले से ये जंगल जो हैं इस दुनिया में मौजूद थे, और अगर एक बार जंगल हटे, जंगल खराब हो गए, खत्म हो गए, तो फिर आगे आने वाली जो चीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट होगी. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million एकर्स अ ईयर. And the growing use of the dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. Main baat kya hai ki jo itni virasat mein hame ye jo tropical forest mile hain duniya ko, ye jo hai ab 40 to 50 million acre ke par saal ke hisab se jo hai khatam hote ja rahe hain, aur ye jo istemal kiya ja raha hai dung ka, यानी कि ये जो गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा गोबर जलाते हैं तो उससे जो मिट्टी है उसके जो इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग इज नीडेड टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. अब ये क्योंकि सन 2000 की बात कर रहे हैं, तब जो वर्ल्ड बैंक था उसका अनुमान ये था कि लगभग फाइव फोल्ड इंक्रीज जो है हमें करना पड़ेगा, फॉरेस्ट जंगल लगाने पड़ेंगे,
तब जाकर हम कहीं जो जरूरत है फ्यूल वुड की, जो सन 2000 में होगी, उसको पूरा कर पाएंगे। जेम्स पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। अब जेम्स पेथ जो कि प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने अगले दिन कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकंड। अभी उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम पर सेकंड एक एकड़ जो है फॉरेस्ट को खो रहे हैं, लेकिन हम इस ये चीज भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, या बहुत ज्यादा हम उससे दूर नहीं है, बहुत करीब आ चुके हैं कि अब हम डेढ़ एकड़ जो है एक सेकंड में खोने लग जाएंगे। मतलब अब इतनी ज्यादा जरूरत बढ़ जाएगी कि हमने अभी कहा तो हम एक एकड़ खत्म कर रहे थे, अब हम डेढ़ एकड़ जो है खत्म करने लग जाएंगे। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and the wildlife of the country. हमारा जो constitution है इंडिया का, उसमें जो article 48A है, वो ये बताता है कि जो state है, उसे steps उठाने चाहिए ताकि वो जो है, जो हमारा environment है, उसे protect कर सके, उसको improve कर सके, साथ ही साथ जो हमारे forest है, या जो wildlife है country की, उसको भी बचा सके, उसको संरक्षित कर सके। But what causes endless anguish is that the laws are never respected nor enforced in India. और सबसे बड़ी समस्या जो है कि जो कभी भी खत्म नहीं होती, वो ये है, या सबसे बड़ी नाराजगी की बात तो यही है कि जो भी लॉज हैं, वो ना तो कभी क्या कहते हैं इंडिया में उसकी कोई रिस्पेक्ट करी जाती है, ना ही उनको कभी लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शुड बी अबॉलिश्ड, बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो कास्टिज्म है, यानी जातिवाद है, अछूत जो कहते हैं अनटचेबिलिटी है, या जो आप बंधुआ मजदूरी है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए, पर शर्म की बात है कि वो आज भी जो है चल रही है, 40 साल के बाद भी, जबकि ऑपरेट कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही थी, उसके 40 साल बाद भी ये सब चीजें आज भी चल रही है। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. एक recent report जो Parliament Estimate Committee की है, वो इस बात पर जो है उजागर कर रही है, जो अब बहुत ज्यादा एक harmful और कहना चाहिए drastic कमी आ रही है इंडिया के forest में पिछले 4 दशकों से। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. इंडिया में लगभग अगर जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग बताएं तो जो जंगल हैं वो 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में उस रेट के हिसाब से काटे जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। जितने भी बड़े बड़े इलाके हैं जो ऑफिशियली कहा गया है कि भाई ये जंगल के इलाके हैं, अब वहां पर जो है कोई पेड़ बचे नहीं है, कहने को कोई पेड़ नहीं बचे हैं वहाँ। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. जो actual loss हो रहा है, जो actual नुकसान हो रहा है जंगलों को, वो जो है कहीं ज्यादा है, यानी 8 गुना उससे ज्यादा है जितना रेट बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के आंकड़ों में। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. 3 साल की जो लगातार स्टडी करी गई सैटेलाइट्स की मदद से, एरियल फोटोग्राफी की मदद से, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी, अब वो जो है इस बात को एक तरह से आपको वार्न कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो इतना हद तक खराब हो चुका है कि लगभग 88 कंट्रीज जिनमें इन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन कराया था, वो उसमें उस कंडीशन को क्रिटिकल कह सकते हैं, काफी चिंताजनक हो चुकी है एनवायरनमेंट की हालत। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह से दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ये एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो आगे आने वाली ह्यूमन सोसाइटी है उसके फ्यूचर में काफी हद तक नुकसान हो सकता है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. जो पहला बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंची, फर्स्ट बिलियन जो पॉपुलेशन पहुंची, उसको पहुंचने में लगभग कह सकते हैं हमारे ह्यूमंस को सैकड़ों साल लग गए, लाखों साल लग गए। तब जो है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 1800 की बात करें तब जाके कहीं 1 बिलियन पहुंची थी, लेकिन बाय द ईयर 1900 द सेकंड बिलियन वाज एडेड एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। पर 1900 तक आते आते 1 बिलियन उसमें लोग और एड हो गए, यानी अब सेकंड बिलियन एड हो गया, और 20th सेंचुरी तक आते आते तो 3.7 बिलियन और एड हो गए।
The present world population is estimated at about 5.7 billion. पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो लगभग 5.7 बिलियन है. Every 4 days the world population increases by 1 million. अब तो ये हो गया है कि हर 4 दिन में पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है. Fertility falls as income rises, education spreads and health improves. Fertility जो है जो एक कहना चाहिए कि अब जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ती जा रही है, एजुकेशन फैल रही है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो जो उपजाऊ बना है वो जो है या फर्टिलिटी जो रेट है वो नीचे नीचे गिर रहा है. अब इसके लिए कह सकते हैं कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छा तरीका जो है डेवलपमेंट ही है. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज ऑफ नंबर्स कंटिन्यूज. बट डेवलपमेंट जो है वो भी तब तक पॉसिबल नहीं है जिस तरह से ये जो नंबर है इंक्रीज होता चला जा रहा है पॉपुलेशन का, उसमें भी आप कितना डेवलपमेंट कर लोगे. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर. जो रिच हैं वो और रिच होते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं उनके इतने बच्चे होते हैं कि वो उनको फिर दोबारा उसी गरीबी में ले आते हैं. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. ज्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा काम करने के लोग हो जाएंगे, बल्कि ज्यादा लोग हो जाएंगे जिनके पास काम नहीं होगा. इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड. ये कोई नहीं सुझाव दे रहा, क्या कहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको आप बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट करो या उनको जो है पूरी तरह से उनकी उनको बर्थ कंट्रोल कर दो. बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन. और कोई ऐसा अल्टरनेटिव बचा ही नहीं है कि वो आदमी जो है वॉलंटरी जो है फैमिली प्लानिंग करे अगर उसको जो है किसी चीज के लिए फोर्स ना किया जाए, तो वो अपनी इच्छा से करना ही नहीं चाहता. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. अब चॉइस जो है आपको इन दोनों में से करनी है, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो या फिर इस तरह से पॉवर्टी में ही आप झूलते रहो. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे. आज की डेट में जो पॉपुलेशन है इंडिया की, यानी कि अभी हम 2000 तक भी नहीं पहुंचे हैं या 2000 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक में एस्टिमेट उस टाइम के दिए हुए हैं, तब जो पॉपुलेशन है वो 920 मिलियन है. मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. मतलब पूरी पॉपुलेशन मिला लें अगर अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की, तो इंडिया की उतनी पॉपुलेशन है. नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप्स ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स unless population control is given topmost priority. कोई भी जो है इन कंडीशन से फेमिलियर नहीं है इंडिया में कि ये जो लोग हैं ये एक दिन इसी उससे मर जाएंगे अगर पॉपुलेशन जो है कंट्रोल नहीं किया गया, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने को टॉपमोस्ट प्रायोरिटी नहीं माना गया, तो एक दिन यही होगा कि पूरे इंडिया में जो है इतनी ज्यादा भुखमरी हो जाएगी, इतनी ज्यादा गरीबी हो जाएगी कि लोगों के पास जो है खाने के लिए नहीं बचेगा. For the first time in human history, we are seeing a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. पहली बार हुआ है ये human history में कि हम एक ऐसा change देख रहे हैं जिसमें लोग जो हैं अब वो खाली लोगों को जो है survive कैसे करें उस चीज के बारे में ना सोच के planet के बारे में भी सोच रहे हैं. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. अब हम लोगों ने जो है इस तरीके से भी सोचना शुरू कर दिया है कि हमारा जो हम खुद जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, हमारा प्लैनेट कैसा रह जाएगा, हम अपनी पीढ़ियों को आगे क्या देंगे. अब हमने उस तरीके से भी सोचना शुरू कर दिया है.